जो हो सकता है कल परसों तक वो हर हाल में बिहार पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं है कानून के दृष्टिकोण में। इस जैसे ही इस केस में जज साहब के सामने प्रस्तुत होगा हाई कोर्ट लेवल पर, एक लाइन में बहस होती कैसे नाम इनका आया, तो बोला था कन्फेशनल स्टेटमेंट पर। सुनते ही नहीं जज साहब, बोलेंगे ठीक है कन्फेशनल स्टेटमेंट पर क्या इनको रखने का उचित बनता है क्योंकि इसका एविडेंट्री वैल्यू है नहीं। ऐसे परिस्थिति में बेल तुरंत ग्रांट होता है। मनीष कश्यप को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। कोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई कि इनके खिलाफ बहुत कुछ मिला नहीं है जो प्रथम दृष्टया जो मामला है। बेतिया से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी क्या हुई, मनीष कश्यप को कारागार ठहरा दिया गया। आखिर यहाँ पे देख सकते हैं कि मनीष कश्यप के विरोध में कितने लोग खड़ा हो चुके हैं। मनीष कश्यप के खाते से जो 40 लाख मिले उन्हें फर्जी बताया जा रहा है। आखिर इतने बड़े रकम तो हर किसी के पास रहते। FIR के बाद में यहाँ पे वकील साहब से जानने का कोशिश करते हैं आखिर वकील साहब ने क्या करारा जवाब दिया है। बिहार पुलिस की बात तमिलनाडु पुलिस ले गई है, क्या कुछ है ये, उनको प्रोडक्शन वारंट पे ले गया गया या पुलिस रिमांड मिली है, इससे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा मनीष कश्यप को? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इस प्रश्न का आंसर मैं थोड़ा एक लाइन में डिटेल में देना चाहूँगा ताकि आपके चैनल के माध्यम से वो लोग भी जो समाज में कुछ लीगल टर्म को समझना चाहते हैं इस कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो बहुत सारे लोगों के बीच में एक दुविधाजनक बातें हो रही है। तीन टर्म जो लोगों को समझना चाहिए इस केस के माध्यम से, तो पहला एक टर्म यूज है ट्रांजिट रिमांड, दूसरा है पुलिस रिमांड, तीसरा टर्म है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। इसके संदर्भ में बारीकी से समझिए तब उससे आपको पता चलेगा कि किसी भी मुकदमे में, चाहे वो मनीष जी का मुकदमा हो या अन्य मुकदमा में, क्या इसका नफा और नुकसान होगा, तो वो समझिए। सबसे पहले बात तो ये समझने की जरूरत है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का को एक 24 घंटा का वक्त रहता है कि आप 24 घंटा के अंदर में उसको संबंधित जो CGM होते हैं उनके सामने उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब वहाँ से जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब के सामने जब प्रस्तुत कर दिया जाता है उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको वहाँ से धारा इस इन इन धाराओं में उनको दिया जाता है कि फॉरवर्ड कर किया जाता है, तब वो अपने कस्टडी में लेते हुए उनको जेल में भेजते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया और वो जेल में गया तो समझिए कि जुडिशियल कस्टडी यानी कि जज साहब के कस्टडी में वो आ गया। अब वहाँ पर पुलिस की कोई मर्जी नहीं चलेगी। अब यदि वो जेल से पुलिस को कुछ पूछताछ भी करना होगा तो बिना जज साहब जिसने उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने जो उनको भेजा है उनके अनुमति के बिना वो उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। तो वो तो एक पुलिस के पास जब तक कोई व्यक्ति रहा तो कहा जाएगा कि ये पुलिस कस्टडी में है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जज साहब के हवाले कर दिया और जज साहब ने उनको यदि जेल में भेज दिया तो वो टर्म जुडिशियल कस्टडी का होता है। अब एक दूसरा टर्म जो आपने कहा कि प्रोडक्शन वारंट क्या होता है उसके संदर्भ में समझिए कि इनके ऊपर बिहार में भी केस था और तमिलनाडु में भी केस थी। अब ये जब यहाँ गिरफ्तार हुए मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से जब वहाँ की तमिलनाडु पुलिस को खबर हुई कि ये मनीष नाम का व्यक्ति बिहार में गिरफ्तार हो चुका है जिसकी जरूरत उसको भी उस केस में है, तो वो वहाँ से क्या करेंगे, जो तमिलनाडु पुलिस जो है संबंधित जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास एक आवेदन देते हैं और बताते हैं कि माय लॉर्ड वो व्यक्ति जो है सो गिरफ्तार हो चुका है। तब वहाँ से संबंधित जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो वहाँ जिसके अधीन होते हैं यानी कि बेऊर जेल के जो अधीक्षक होते हैं उनके नाम से एक वो आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि उस व्यक्ति को आप हमारे पास भेजिए। तो ये जो होता है प्रोडक्शन वारंट का ये टर्म कि प्रोड्यूस मेरे सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत कीजिए। अब लेकिन टेक्निकल टर्म है कि जेल सुपरिटेंडेंट के पास चिट्ठी तो आता है। अब जेल सुपरिटेंडेंट साहब वो क्या करेंगे, वो तो बिना मर्जी के उसको हिला नहीं सकते हैं जेल से चूंकि वो तो जज साहब के सुपरविजन में है। तो ऐसे परिस्थिति में फिर जेल सुपरिटेंडेंट यानी कि बेऊर जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं वो एक आदेश मांगते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट पटना जिनके अंतर्गत वो कस्टडी में गए थे और वो वहाँ से निर्देश लेते हैं कि हुजूर वहाँ से एक चिट्ठी आया था उस चिट्ठी को हमको कंप्लेंस करना है, क्या मैं इनको भेजूं। और पुलिस तमिलनाडु पुलिस भी एक आवेदन देती है कि मैं वहाँ इस प्रोडक्शन के लिए ले आया हूँ। तो ये जैसे ही वो वहाँ से जो चिट्ठी तमिलनाडु से जो चिट्ठी आई तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन वारंट हुआ। अब यहाँ से उस व्यक्ति को बिहार से तमिलनाडु लेके जाना है तो रास्ते में जो ले जाने की शक्ति है वो तो बिहार वो वहाँ के संबंधित पुलिस को दिया, तो वो जो रास्ते में जो ले जाने की का जो आदेश है वारंट का मतलब आदेश समझिए, वो जो आदेश होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। और नियम ये कहता है कि 30 किलोमीटर से अधिक यदि पुलिस को किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति की यात्रा करानी है तो संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आदेश के बाद ही वो वहाँ से लेके जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों चीज़ों का जरूरत है,
ये ट्रांजिट रिमांड, प्रोडक्शन वारंट की जो बात कही, और आपको जो मैंने बताया कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो जनरली प्रोडक्शन वारंट जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वहां से ले जाने के लिए जो एक निर्देश दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रोडक्शन वारंट। तो ऐसे परिस्थिति में इनके केस में भी वही चीज़ हुआ जो आप लोगों ने देखा, तमिलनाडु पुलिस इनको ट्रांजिट प्लस प्रोडक्शन दोनों चीज़ के तहत उनको वहां पर लेके गई है। इससे मनीष कश्यप को फायदा हुआ क्या लाभ? बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए मनीष कश्यप को फायदा है, पुलिस अनजाने में ही सही लेकिन फायदा तो पहुँचा दी, इसलिए फायदा हो गया इनको और इसका कानूनी में लाभ होगा इनको कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो अभी थाना कांड संख्या 4 था ईओयू का, जिसके तहत उनको पटना में गिरफ्तारी दिखाई। 18 तारीख को वो गिरफ्तार हुए थे, 19 तारीख से उनकी कस्टडी का करना शुरू हो गया था, जुडिशियल कस्टडी में गए थे वो। अब तमिलनाडु जब वो बेल के टाइम में जब जाया जाता है तो बोला जाता है कि 3 माने अभी 6 महीना यदि हुआ होगा तो 6 महीना से कस्टडी में, 18 तारीख से काउंटिंग होगा। लेकिन आप सपोज कीजिए कि यहाँ 6 महीना बीता है और वहाँ तमिलनाडु में इनका प्रोडक्शन यदि नहीं हुआ था तो वहाँ कस्टडी इनकी काउंटिंग नहीं होती। तो अब इसका लाभ ये हुआ कि जैसे ही वो तमिलनाडु में थाना में जो कांड संख्या था उसमें इनका उपस्थिति दिखा दिया तो अब इनकी काउंटिंग जुडिशियल कस्टडी का वो काउंटिंग शुरू हो गया। यानी कि समय अवधि जो बीत रही है जेल में, तो रह रहे हैं एक जेल में एक केस में, लेकिन इनका काउंटिंग सभी जितना जितना में इनका प्रोडक्शन दिखा दिया जाएगा सब में इनकी कस्टडी पीरियड काउंटिंग होने शुरू हो जाएगी। तो इसका लाभ ही होता है बेल के टाइम में जब बहस होता है तो जज साहब को या ऑनरेबल जस्टिस जो होते हैं उनके सामने बोला जाता है कि हुजूर कस्टडी भी हो गया 3-4 महीने का, जो भी रहता है उस टाइम में 4 महीना 5 महीना, अब सफिशियंट सजा हो गई है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, मेरिट पर और ट्रायल में जब बहस होगी तत्काल कस्टडी पीरियड को देखते हुए उनको जमानत पर रिहा किया जाए। तो वो पुलिस उस चीज का लाभ नहीं ले सकती है तमिलनाडु पुलिस की, हमारे यहाँ तो कस्टडी इनका है ही नहीं, वो तो दूसरे मुकदमा में है। तो कमोबेश इससे जो है सो मनीष कश्यप को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि वह तमिलनाडु में अब उनकी उपस्थिति दिखा दी गई है, तो इससे क्या होगा कि इनको निकलने में एक रास्ता बहुत ही आसान हो गया है। जमानत को लेके क्या होगा, इनको कचहरी भी हो गया था? देखिए आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे हाँ कह देने या ना कह देने से बहुत कुछ नहीं होगा, या किसी के हाँ या ना कहने से नहीं कुछ होता है। ये जो नेचर ऑफ केसेस है, जो एलिगेशन मूल एलिगेशन इनके ऊपर जो लगाया गया है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर इसका नाम केस में आया है। थाना कांड संख्या 4 में इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है कि कोई व्यक्ति है एक वीडियो बनाया था जो आर्टिफिशियल वीडियो था इनके द्वारा डायरेक्ट, ये मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि जो संबंधित केस को जो मैंने अवलोकन किया उसमें आया है कि एक व्यक्ति जो है उनके बयान पर कि ये वीडियो बनाने में हमको ये सहयोग किए थे, तो मनीष जी का नाम उसमें आता है। तो उसको कहते हैं कि इनका नाम जो उस केस में आया तो मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट। और इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि जो उसका एडमिसिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो कन्फेशनल स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं है, यानी कि बोलचाल की भाषा में पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं है कानून के दृष्टिकोण में। इस जैसे ही इस केस में जज साहब के सामने प्रस्तुत होगा, जज साहब इन द मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट लेवल पर, तो जैसे ही ये बात आएगा कि कैसे नाम आया, जज साहब एक लाइन में बहस होते कैसे नाम इनका आया, तो बोला था कन्फेशनल स्टेटमेंट पर, सुनते ही नहीं जज साहब, बोलेंगे ठीक है कन्फेशनल स्टेटमेंट पर क्या इनको रखने का उचित बनता है क्योंकि इसका एविडेंट्री वैल्यू है नहीं, ऐसे परिस्थिति में बेल तुरंत ग्रांट होता है। तो लेकिन हाई कोर्ट में आने में नंबर जो प्रोसेस है, चाहे वो आपका सही मुकदमे में नाम आ जाए या झूठे मुकदमे में, वो तो तय करेगा ट्रायल में, लेकिन एक बार जब पुलिस के द्वारा नाम आ जाता है और हाई कोर्ट तक की प्रक्रियाओं तक यदि आपको गुजरना है तो वर्तमान परिस्थिति में पटना हाई कोर्ट तक आते आते नंबर अपने डायरी बहुत सारी का जो फॉर्मेलिटीज है पूरा करते करते 4 से 5 महीने का वक्त लगता है। इसीलिए इस परिस्थिति में कितना भी लोग गला फाड़ के चिल्ला ले, 4-5 महीने का कस्टडी उनको अभी पीरियड जेल में बिताना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि सब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट? वो अलग इशू है, सुप्रीम कोर्ट में जो जाया जा रहा है उसके पीछे रीजन है कि देखिए एक ही घटना से संबंधित मूल एलिगेशन यह है कि तमिलनाडु में जो हिंसक झड़प की बातें कही गई थी ये कॉन्कॉक्टेड था, इन लोगों के द्वारा आर्टिफिशियल बनाया गया था, दिग्भ्रमित करने वाला था। दिस इज द एलिगेशन व्हिच हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट मनीष कश्यप एंड अदर्स जर्नलिस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं उनके विरुद्ध। तो इन दिस इज द मेन एलिगेशन, लेकिन FIR जो है सो 13 FIR तमिलनाडु में, 6 FIR बिहार में और 9 केस पहले से। तो ऐसे परिस्थिति में ये केसों का जो अंबार है, तो
वो जो पहले वाले केस को तो नहीं, लेकिन इस कॉज ऑफ एक्शन से जो अराइज हुआ है सभी केसों को एक साथ जोड़ने के लिए कि एक ही साथ इसकी सुनवाई हुई होनी चाहिए। एक ही केस में वो तमिलनाडु में भी जाएंगे ट्रायल में, एक ही केस में बिहार में भी अनेक जगह जाएंगे, तो कैसे संभव है? तो इसके लिए जब दो राज्यों के बीच का मामला होता है तो उसमें एक केस को एक करने की शक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। इसीलिए एक केस को एक करने के लिए के दिशा में सुप्रीम कोर्ट में जो है आवेदन दी जा रही है। दो अप्रैल को सर रिमांड खत्म हो रहा है, क्या उसके बाद मनीष कश्यप जी बिहार आएंगे? देखिए उसमें से एक अभियुक्त जो था राकेश जी का, उसका जो है सो उसको भी तमिलनाडु लेके गई थी पुलिस, लेकिन तमिलनाडु पुलिस अपना प्रोडक्शन करा के तुरंत उसको कम बैक यानी कि बिहार में कर दी। और जो जज साहब का जो रुख रहा वहाँ तमिलनाडु में, उससे आप पूरी तरह से आश्वस्त रह सकते हैं कि मनीष कश्यप बहुत जल्दी बिहार में आएंगे, हो सकता है कल परसों तक, वो हर हाल में बिहार में। 4 तारीख को सर बेतिया में बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी भी है उनकी, तो 4 को पेशी है, तो इससे मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि मनीष कश्यप जी आ जाएंगे। देखिए उसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा, और वो पुल जो वहाँ के संबंधित आईओ होंगे वो प्रोडक्शन, जैसे तमिलनाडु की पुलिस ने यहाँ से प्रोडक्शन वारंट लेके उनको ये किया था, तो जो बेतिया की इसमें एक और टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है कि वो सरेंडर किए थे पुराने वाले केस में जिनके ऊपर इनके घर में कुर्की जब्ती हो रही थी, लेकिन वो डायरेक्ट आ गए यहाँ ईओई के मामले में पटना, जबकि तमिलनाडु वो जो बेतिया पुलिस जो थी जो उसको पहले कंसस होना चाहिए था क्योंकि उसमें तो 82 और 83 निर्गत हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में ये सब चीज़ का लाभ जो है सुबेल के टाइम में इस सब पॉइंट को उठाया जाता है तो अभियुक्त को मिलता है। तमिलनाडु में सर जैसे कि 13 केस फाइल किया गया 3 जिला में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे सर जो 13 केस फाइल किया गया उस केस को लेके कुछ जानकारी मिलेगी? जानकारी आप डिटेल इतना ही समझिए कि ये जो धाराएं हैं कमोबेश वही धारा जो बिहार में लगी है, जो एलिगेशन बिहार के केस में है वही चीज़ पर, और तमिलनाडु पुलिस को बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। बिहार में जो एक स्टोरी है उसी स्टोरी से मिलता जुलता चीज़ वो सपोर्ट में बोलना चाह रहे हैं, जिस बात को लेकर कोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई कि इनके खिलाफ बहुत कुछ मिला नहीं है जो प्रथम दृष्टया जो मामला है, लेकिन उस चीज़ का पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का अभी वक्त नहीं है। कन्फेशनल स्टेटमेंट वाली जो आपने बात कही कि हाईकोर्ट में मिल जाएगा बेल उनको, 3-4 महीने लगेगा नंबर, लेकिन बाकी जो केस है एक एक करके सब में जमानत मिलने के बाद वो बाहर आएंगे या एक ही केस में जमानत मिलेगी तो वो बाहर? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए हर केस में बेल इनको लेना पड़ेगा, और हर केस में मैंने बोला कि एवरेज टाइम लगता है, तो अब एक जब इनका जमानत दिया जो फाइल किया जाएगा तो हर केस में किया जाएगा जो एक ही साथ, माने अलग अलग होगा लेकिन 1-2 दिन कहीं अंतराल पे होगा, तो वो तो रफ्तार से उसी रफ्तार से चलेगा, तो इसीलिए उस केस का जो है सो आप मान के चल सकते हैं कि 1-2 दिन आगे पीछे करके सुनवाई होगी, और ऐसे परिस्थिति में लगभग उसी 5-6 महीना के एवरेज का जो मैंने बताया उसी दौरान सभी केसों का निपटारा भी हो जाएगा और ये निकल सकते हैं। अच्छा एक अंतिम सवाल ये है कि कई कानून के जानकार की जो खबरें आ रही हैं देखने में आ रहा है, यूट्यूब पर भी वीडियो है, कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के जो वकील हैं वो उन्हें छुड़ा नहीं पा रहे हैं। देखिए जी सर आपको मैं बता रहा हूँ, ये इस केस में मैंने देखा कि बहुत जो वकील साहब सबका बयान आया तो उस पर मैं टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि जिनका जो क्लाइंट होता है उस पर वो यदि अपनी विवेचना करे तो वो ऑथेंटिक जानकारी देंगे, और आज के डेट में बिना मेहनत के और कम टाइम में पॉपुलर होने के लिए कुछ लोग आके मीडिया, और कुछ मीडिया कर्मियों का भी है, क्या न्यूज चला दे रहे हैं कि इन्हीं का काट कर किसी में, अभी मुझे कहने में तो शक्ति नहीं कि तेज प्रताप जी का एक आपत्तिजनक वीडियो ही लोगों ने दिया है जो कि गलत है, ऐसे मीडियाकर्मी पर कार्रवाई हो सकती है कि जो चीज़ है नहीं किसी के बारे में कोई चीज़ चला देना बिना पुष्टि की हुए, किसी के बारे में कल को आपके बारे में भी चला रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ मीडियाकर्मियों की वजह से सब चीज़ भोगना पड़ जा रहा है। गलती एक आदमी करते हैं और इम्प्रेशन सभी मीडियाकर्मियों पर जाता है, खास करके डिजिटल वाले पर, तो ऐसे लोगों पर आप लोग भी ध्यान ना दें, और जो खबर की जो भी है ऑथेंटिक बात जो हो उसको चलाइए, और किसने क्या किसी व्यक्ति के ओपिनियन से इस केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताल अभी यदि मैं कह दूं कि कौन मैका लाल है 24 घंटे में मैं रिलीज करा दूं, 24 घंटा तक खूब वाहवाही मिलेगी, ताली मिलेगी, लेकिन 25वां घंटा में आपको जवाब देना होगा। तो जिनको केस नहीं है तो वो तो कुछ भी कह देंगे कि ये है वो है, ये कानूनी प्रक्रियाओं से होकर गुजर सकता है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस में हाई कोर्ट तक आने आते 4-5 महीने का वक्त लगेगा तो लगेगा, और इससे पहले किसी की औकात नहीं है कि उनको रिलीज करा सके। अच्छा एक सवाल और सर, जैसे कि मनीष कश्यप अगर तमिलनाडु से बिहार आते हैं
तो क्या उनके साथ तमिलनाडु पुलिस फिर से आएगी और फिर से ट्रांजिट जमानत लेके जा सकती है? देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न पर आंसर क्या होगा, पुलिस की क्या स्ट्रेटजी, उस पर अपना लोग पूर्वानुमान लगा के कोई बात नहीं। पुलिस की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वकील की अलग स्ट्रेटजी होती है कोर्ट के लिए, और अभियुक्त की अलग स्ट्रेटजी होती है। इसीलिए उन प्रश्नों पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग, ये सवाल जो आपने कहा था केस वाला मामला, तो जो बोल रहे हैं कि छुड़ा नहीं पा रहे हैं वो भी कानून के जानकार है, वो भी देख रहे होंगे कि कौन कौन सी धारा लगी है, तो ऐसे में वो कैसे कर पाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, यदि आपको बांसुरी दे दिया जाए बजाने के लिए, और आपको या मैं बांसुरी बजाऊंगा तो पिपही की आवाज़ निकलेगी सीटी की, लेकिन एक कलाकार जो होता है वो किस छेद को कब दबाना है, कब उठाना है, कब जोर से फूकना है, कब धीरे फूकना है, तो एक धुन पैदा होता है और धुन सबको अच्छा लगता है, और सीटी की आवाज़ इरिटेटिंग होती है लेकिन धुन पर सभी नाचता है। उसी तरीके से जो एक्सपर्ट एडवोकेट होंगे, कानून का जो जानकार होगा, किस बात को जोर से बोलना है, किस बात को धीरे बोलना है, किस बात को उठाना है, किस बात को नहीं उठाना होगा, ये एक आर्ट है। तो एडवोकेट डिग्री सभी के पास है, काला कोट भी सभी के पास है, लेकिन आखिर नामी गामी लोग कुछ ही खास क्यों अपना जगह बना पाते हैं? क्रिकेट तो बहुत लोग खेल ले, लेकिन सचिन तेंदुलकर का ही नाम क्यों जपा जाता है? संगीत की दुनिया में अभी भी लता मंगेशकर के नाम को क्यों जपते हैं? क्यों कोई बड़ा कलाकार नहीं आया? एक गाना बैंड बाजा में भी गाते हैं, भरा तो 500 मिलता है, और वही गाना आज के डेट में यदि कोई बड़े आर्टिस्ट गाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो वो कह देना कि वो भी एक्सपर्ट है, उस चीज़ से मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। सबका अपना जिसको ज्ञान है जितना, उस ज्ञान के आधार पर अपना आकलन कर रहे हैं, तो उस चीज़ से ये उतावलेपन का चीज़ नहीं है। यदि आप नपे तौले और एक कन्फाइंड वे में नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि ज्ञान के अज्ञानता बस लोग इस तरह की बातें कर बैठते हैं।